नमस्ते, मैं मृदुला तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मधु जी की रसोई में। आज हम बनाएंगे छोटे वाले कटहल की सब्जी। ये बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे हम खड़ा मसाला में बनाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी छोटा वाला कटहल, जो बच्चा कटहल बोलता है, उसको ही इस्तेमाल कीजिए। उसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे हमने कटहल लिया है और मीडियम साइज में काट रखा है। साथ में पोस्तदाना, दालचीनी, कबाब चीनी, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता लिया है। यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक ले लिया है। यहाँ पे साथ में दो टमाटर लिए हैं। हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है और चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तेल गरम हो चुका है, आप कटहल को फ्राई करते हैं। चलिए इसको रख लेते हैं। तो चलिए इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। देखिए ये कुछ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इसको निकालेंगे। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डालेंगे। चलिए तेल अब गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं तेज पत्ते। अब डालेंगे लहसुन। अब इसमें ये साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज डाल के अच्छी तरह से चला लेंगे। चला के इसको ढक देंगे। अब ये हल्का हल्का भून चुका है, अब इसमें डालेंगे ये जो खड़े मसाले हैं, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, पोस्ता, कबाब चीनी। ये सब डाल के और अच्छी तरह से चला के और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें डालेंगे कटहल। अब इसको भी डाल के 2 मिनट तक भूनेंगे। देखिए अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें डालेंगे नमक। डेढ़ से 2 चम्मच, एक छोटा चम्मच है। साथ में हल्दी डालेंगे।
एक चम्मच आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च और ये पैकेट वाले मसाले हैं डेढ़ चम्मच, इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके बाद डालेंगे ये कटे हुए टमाटर हैं, इसको मिला के दो मिनट तक ढक के भूनेंगे। देखिए अच्छी तरह से भून गया है, प्याज भी गल गया है, टमाटर भी गल गया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी, पानी अपने हिसाब से डालना है, हमारे यहाँ जितने लोग हैं उस हिसाब से हम डालेंगे। और इसमें डालेंगे ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है, इसको कूट रखे हैं। और इसमें दो गिलास डाले हैं पानी, क्योंकि मेरा एक किलो कटहल था उसके हिसाब से डालेगी मैं पानी। अब इसमें सीटी लगा देंगे, चार पांच सीटी लगेगा, उसके बाद सब्जी बनके तैयार। यहाँ सब्जी बनके तैयार है और खुशबू इतनी मस्त आ रही है कि मुंह में पानी आ जा रहा है। देखने में सब्जी लाजवाब लग रही है और आप भी बना के और कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी सब्जी कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।